मुशर्रफ भाई, आप कुछ बताएं यहाँ के बारे में और अफ्तारी के बारे में खास करके बताएं। आपने सभी को सुना, शफात साहब उल्फत भाई से हम पूछते हैं कि बिरयानी भाई आपने कैसे बनाई और कहाँ से आपने सीखा बिरयानी बनाने का? भाई हमने ऐसे बनाई, यहाँ लाई हैं लकड़ियाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दद्दू जी। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज मेरा राउंड लगा है यहाँ सुमकोट मरोट में, और मैं आपको मरोट की लाइफ स्टाइल बताता हूँ कि मरोट में कैसे लोग रहते हैं। आप बने रहे मेरे साथ, छोटा भाई भी आज मेरे साथ आ जाओ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ज़्यादा नहीं बोलना, जितना मैंने बोला हेलो बोलने का तो हेलो बोलना, आगे नहीं बोलना। तो दोस्तों, झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को, पर क्या करें, अब कुछ और कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं, अफ्तारी का बंदोबस्त किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़कों ने, और देखते हैं क्या क्या बनाया हुआ है, हम भी उनकी हेल्प करेंगे। काफ़ी अच्छे लड़के हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और बने रहे आप मेरे साथ। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से मैं बोल भी नहीं पा रहा, और इसने इतना टाइम लगा दिया। पता है क्या होता है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था 4 बजे, और 4 बजे इन द सेंस 4 बजे का ये मतलब था कि हमें जाके वहाँ पर उनके साथ काम कराते, मतलब अच्छा था। तो इसने काफ़ी टाइम लगा दिया, तैयार ही नहीं हुआ सही टाइम पर। और ये देखो, और लड़कियों की तरह तैयार होता है सच्ची में। अब आगे दफा हो जा, बार बार हेलो 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 हेलो, एक बार हेलो कर दिया ओके है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसी अफ्तारी होती है यहाँ पे। छोटा सा भाई है मेरा, पीछे मेरे से बड़ा है। बोलते रहते हैं इनके, अब जिसको खुदा ने जितना मतलब दिया हुआ उसको इतने में खुश होना चाहिए। अब मुझे हाइट नहीं मिलता, मैं क्या कर सकता, जितना इंसान को किस्मत में लिखा होता है ना उसको इतना ही मिलता है। अब मैं बोलूं कि नहीं मैं लंबा हो जाऊं, मैं अपने गर्दन में जो है ना रस्सा डाल के मैं खींचूं लंबा हो जाऊं, तो कहाँ से लंबा हो जाऊंगा, सीधा खुदा के पास ही चला जाऊंगा। हंसा मत कर यार, मेरी ऑडियंस है वो बोलते हैं चूतिया लोग। तो दोस्तों, ऐसी कुछ लोकेशन पर हम पहुँचे हैं, वो आपको वहाँ पर थोड़े थोड़े आदमी दिख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ, बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है अफ्तारी का, और ऐसी कुछ लोकेशन है। अफ्तारी करने में मज़ा तो काफ़ी आएगा, और इसका क्रेडिट जो है ना वो सारे मतलब हमारे जैसे जो यूथ वाले लड़के उनको जाता है, जिन्होंने मतलब इतनी जब तक यूथ जो है ना वो अच्छे से काम नहीं करेगी तब तक आपके विलेज की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यूथ जो है ना वो जो कुछ चाहे वो कर सकती है। और जा रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं थोड़ा सा धुआँ निकल रहा है, और वो पीछे आपको ग्लेशियर में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ नज़र आ रही होगी, काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब मुझे सच्ची में इंडिविजुअली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह में आने का, घूमने का और यहाँ के कल्चर देखने का। मुशर्रफ भाई का काफ़ी रोल है यहाँ पे। मुशर्रफ भाई, आप कुछ बताएं यहाँ के बारे में और अफ्तारी के बारे में ख़ास करके बताएं कि किस किस ने कलेक्शन डाली, आपका यूथ का कितना रोल रहा इसमें, आप बताएं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि हुसैन भाई आप ये जान सकते हैं कि जो अफ्तारी का प्रोग्राम है आज 10 रमज़ान है, और देखा जाए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का आज जो विसाल का दिन है ये बहुत ही बाबरकत दिन है आज। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जो अफ्तारी का प्रोग्राम इनका किया जाए। तो उस दौरान हम जितने भी यूथ के मेंबर थे, जैसा कि हम देख सकते हैं आप भी यहाँ पर जितने आप बैठे हुए हैं, तकरीबन 18 से 22 या 25 के दरमियान जितने, हमने सोचा कि क्यों ना अफ्तारी का एक छोटा सा प्रोग्राम इनका किया जाए। तो उसी के सिलसिले हमने आज ये प्रोग्राम और ये फलफ्राट मशबात जितने और ये बिरयानी का इंतज़ाम खास कर किया है। तो इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि दिन ब दिन ऐसा ही हो, क्योंकि यूथ इसे इंक्रीज़ होती रहेगी, और हम ये मतलब अपने आप को एक इंकरेज करने की भी यह बात है कि सोच रहे हैं कि जितना अहले बैत है, खासकर ये सैदात ख़ानदान है, जितनी अफ्तारी है दस्तरखान लगाया जाए तो ये बहुत ही हज़रत इमाम हसन के अकवाल के मुताबिक उसका दस्तरखान जो है जितना भी लंबा अहले बैत लगाएगी तो ये बेहतर रहेगा, बस यही हमारी कोशिश। तो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मुशर्रफ भाई ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए यूथ का कितना बड़ा जो हाथ होता है।
आपको सबसे पहले हुसनैन भाई को बताएंगे कि हुसनैन भाई क्या चीज़ है यार। हुसनैन भाई ने देखो यार मेंढर से आए यहाँ पे, इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि यार मैं मेंढर से आया यहाँ पे मेहमान बन के बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं यार इन्होंने यहाँ पे आके बहुत काम किया भाई। और भाई आपके लिए आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भाई। ये उल्फत भाई को देखें, उल्फत भाई ने बिरयानी बनाई आज, तो उल्फत भाई से हम पूछते हैं कि बिरयानी भाई आपने कैसे बनाई और कहाँ से आपने सीखा बिरयानी बनाने का। भाई हमने ऐसे बनाई, यहाँ लाइयां लकड़ियां, इसके ऊपर धरा पतीला, फिर हेट से लाई हमने आग। अच्छा भाई इसमें सटे पानी, हाँ 15 मिनट बाद आपने देखा इसमें बिरयानी बन गई। अच्छा बहुत अच्छे भाई, उल्फत भाई ने ये उल्फत भाई का ये रिव्यू था और बहुत ही अच्छा था यार। ऐसे ही होता है सब कुछ, आप भी देख सकते हैं कि पहले उल्फत भाई ने बोला कि पतीला रखना, उसके बाद जो भी करना है पानी डालना, फिर उसके बाद मीट वगैरह चावल वगैरह मसाले वगैरह डाल के तो रख दिया इन्होंने, तो खुद ही बन गई, तो आप ही बन गई। ये उल्फत भाई का रिव्यू है। बहुत शुक्रिया पहला उन्होंने सारे ना कि जिन्होंने आज नहीं या गफ्तारी ना अरेंजमेंट करने नहीं जरा वो एक एहतमाम किया। और तुसा जिस तरह सारे जानने कि अल्लाह ताला ने खास सिस्टम रहमत और बरकत और बख्शिश का महीना जरा चल रहा है, और बेहतर यो है साड़ी ईदगाह जड़ी है असें इसको डिवेलप करने वास्ते असें सारे रल मिल गया जरा इसने जी है वो डिवेलपमेंट कर सकते हैं। और जिते एक जगह नमाज पढ़ी जा चुकी है जगह तो वह जगह मस्जिद ने तकदस कह लैनी है। उनकी जी ईदगाह असें इतने एक दफ़ा नमाज पढ़ ली, उनकी के इसने दर्जा बन गया मस्जिद का। देखो यजीद ने कितने घोड़े बदे थे बैतुल्ला, अल्लाह ताला ने घर में साढ़े भी तो यजीद भी क्या फर्क रहे कि अगर असें ईदगाह भी आ फिर क्रिकेट खेलने लग जावा फिर माल मवेशी लेगा इसने बीच बढ़ जावा। लिहाजा बेहतर यू है मैं इमरान साहब कैसा इस पर मजीद वे भी थोड़ा इस बारे में दसन गए इसने खास कर गए क्रिकेट ने वाले ने ऐद कर ले बात करिए नौजवान जितने भी इन्होंने उस चीज़ को डिवाइड किया और इस छोटे जी साड़ी इस गल में एक बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम बना के दसिया। तो सारे जितने भी इतने बैठे हुए हैं किस किस तरह नाले में साजिद है, अल्फत है, अरशाद है, मदसर जितने भी लोग हैं इतना मुशाफाद है, बड़े अच्छे एजाज साहब हैं साढ़े, तो इन्होंने डिवाइड किया छोटी जी गल में तो असें अज एक साड़ा छोटा जहा प्रोग्राम सा एक बड़ा बन गया है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला साढ़े जज्बे को हौसले को मजीद तरकीब देवे और आने वाले वक्त असें इससे भी अच्छे प्रोग्राम करा। इस तरीके अली असर साहब ने एक रिक्वेस्ट करी साढ़े सारे अगर कि या ईदगाह है तकदस इसना इतना ही होना चाहिए कि जितना एक मस्जिद ना होना, साड़ी जनाजागाह भी आई है बहुत सारे जनाजे इतने पड़े जा चुके हैं और तकरीबन गल बन 2007-08 थी असें इतने नमाज ईदेन भी अदा करने आए हैं। लिहाजा किसी भी कौम ने सरमाया उतने नौजवान होने किसी भी कौम ने काया उसकी तकदीर पलटन वास्ते उसने नौजवानों ने बड़ा अकेली रोल रहना है। लिहाजा जितने भी नौजवान जिन्होंने अंदर मैं देखा कि जज्बे नहीं किसी किस्म की कोई कमी नहीं और यो अल्लाह ताला तबारक व ताला ने फजले खास होना है क्योंकि यह चीज़ यो जज्बा ईमानी खरीदा नहीं जा सकना, बाकी चीज़ा आनी जानी रहनी बंदा उस अप एंड डाउन हो सकने किसी चीज़ कोई चीज़ डिलीशन एडिशन हो सकनी, लेकिन जज्बा को हम कम करना यो अल्लाह ने कतात होनी है गिफ्ट होनी है नेचुरल गिफ्ट इसमें कहने की अल्लाह ताला ने सारे नेता फरमाई है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसे मजीद और तरक्की ता फरमावे। तो लिहाजा इमरान सर ना मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा खड़े हो गए ये गल कर सके और अच्छे तरीके से या कन अब्दु व या कन अस्ताइन। आपने सभी को सुना, शफात साहब को सुना, दरअसल मेरी थोड़ी सी जो रीजनल भाषा है बड़ी वीक है यार, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ या उर्दू में, ये थोड़ा सा मामला है। तो बहरहाल मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जिस अंदाज के साथ जिस तरीके के साथ आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में चार चांद लगाए और बिलखसूस शफात साहब का, अली असगर सर का, मैं उल्फत शाह का नाम क्यों ना लूँ, अरशाद साहब का, और कितने लोग बैठे हैं ये शाहनवाज साहब और साजिद साहब और सभी का बहुत बड़ा रोल है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं कहना चाहूँगा जब से यहाँ ये छाऊँ कहा जाता है इसको बेला, पहली मरतबा हम अफ्तारी करवा रहे हैं और मेरे ख्याल में तारीख के आईने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इस सब का क्रेडिट आप सभी को मुबारक, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं चाहता हूँ आपके हाथ चूमूँ, इतना बड़ा अच्छी आपकी सोच है तो आपकी सोच को सलाम। बहुत अच्छी बातें की इस्लाम के तलक से अली असगर साहब ने, रमज़ान के तलक से बहुत अच्छी बातें की, और बातें करना अलग बात है, अमली जामा पहनाना प्रैक्टिकली करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कहते हैं एक हो जाएं बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ईदगाह है क्योंकि ईदगाह का तकद्दस
हमें रखना चाहिए। ये एक मुकद्दस जगह है, आपको पता है किसी भी रिलीजन में कोई पाक जगह है उसका तकद्दस रखा जाता है, तो वेरी अनफॉर्चुनेट कभी यहाँ घोड़े बांध देता है कोई, वो अगर घोड़े हमने बांध दिए अब ये क्रिकेट की बारी आ गई। यहाँ हमने ट्यूशन पढ़ाई, मैं शाफात सर और अली असगर सर, और यहाँ के लोगों ने हमारी मुखालफत की। आप देखेंगे 12-15 साल हो गए, 15 साल में इनके पास 15 बच्चे नहीं बने, और हमने एक दो दिन में हमारे पास 100 बच्चा था ट्यूशन, और आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो इन्होंने मुखालफत की है, वहाँ भी आपका ग्राउंड है, हम भी खेलेंगे वहाँ, ग्राउंड आपके सामने है, उसको बिल्कुल हम, ये गवर्नमेंट की जगह उन्होंने दी हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं हम करेंगे। ये जो ईदगाह बनी है कई बार सियासत की शिकार हुई, इसमें कई बार चंदे हुए और चंदे वापस किए गए, और एक बार हमने यहाँ पे पुलिस भी बुलाई। इसलिए गुजारिश ये है आप सभी से, हम सबको, यूथ को, हमें किसी की ज़रूरत नहीं कोई हमारे साथ आए या ना आए, आप हम में से कोई बड़ा नहीं है, सब हम बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा, हम सब बराबर हैं, सबकी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई इन्फीरियर सुपीरियर नहीं है। ज़रूरत इस बात की है जब कोई हम अच्छा कदम उठाते हैं, हमारे बीच लोग सियासत, अब सियासत हम नहीं चलने देंगे, इस चीज़ का आप लोग वादा करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ मस्जिद भी बनेगी, यहाँ मदरसा भी बनेगा, हम इधर जो है काम करें, बिल्कुल और भी लड़के थे, मसला वो नहीं क्रिकेट का, कोई मसला क्रिकेट इशू ही नहीं है यहाँ पे, इशू पता कि हम काम कर रहे हैं, इन लड़कों को इकट्ठा करके इसका काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग हमें पैसा दिखाते हैं, यार इनको भगा दो, पैसा मैं दूंगा, कितना काम चल रहा है इसका, कितना काम, हमने उसकी तरफ ध्यान वो नहीं करना, हमने ये हमने अभी वादा किया कि हमने ऐसी सियासत को खत्म करना है। फिर किसी के पास पैसा है, अगर वो नहीं लगा रहा, वो अगर मुझे साइड लेके जा रहा है, मेरे पास पैसा, तुझे कितना चाहिए इसके लिए, कर देता कोई नहीं है, लेकिन वो इनके लिए, ये जो नौजवान आ रहे हैं ना, ये नहीं आएंगे, इनको डिस्कस करने के मामले में इनको, वो सब बस बैठे हैं, नमाज पढ़े, सब कुछ करें, लेकिन क्रिकेट ना खेलें, आपको आने से कोई मना नहीं करता, आप आए बैठे सिस्टम है, देख हमारे पढ़े, आपकी किताबें आपको दी गई है, अगर कोई बंदा बाहर से आके, हर बंदा एक नहीं, हम बैठते हैं 10-20 मिनट। मुझे याद है कि मैं 8 क्लास में पढ़ता था कि जब यहाँ पे पहली नमाज ईद जो है वो नाती गई, और बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आज भी मौजूद हैं, और उन्होंने बड़े बड़े बात भी दिखाए उस वक्त कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रातों रात यहाँ पे हम कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली ले आएंगे, एकदम ये कुछ से कुछ हो जाएगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे। फिर उसके बाद इतनी नौबत भी आई, इब्रार सर ने जिक्र किया कि हमारे पास एक ईद के दिन ऐसी नौबत भी आई कि हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, और यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी आई, और उसकी हिफाजत में हमने यहाँ पे नमाज पढ़ी, कितने मुखालफत लोग यहाँ पे करना शुरू हो गए। तारीख का ये वक्त है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई भी बंदा तारीख के वक्त जो भी दुआ करेगा खुलूस नीयत से, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यूथ को एक नेक अमल करने की और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अफ्तारी के बाद मिस्जिद आके सो गया था, काफ़ी बारिश हो गई थी, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, गला अभी भी इवन दर्द कर रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब लड़कों से इंटरेक्ट करके काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब देखी, और मैंने काफ़ी चीज़ें समझी भी। जो सबसे बुरी चीज़ लगी ना, वो गाइस मुझे ये लगी कि वहाँ पे एक भी बुज़ुर्ग नहीं था, आपने पूरे ब्लॉग में देखा होगा सब अडल्ट लड़के थे और कोई भी बुज़ुर्ग नहीं था, जो मतलब मुझे जिसने काफ़ी डिसअपॉइंट किया कि बुज़ुर्गों को मतलब एटलीस्ट आना चाहिए, अगर वो मतलब कोई काम नहीं कर सकते एटलीस्ट बैठें, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और जो जो यहाँ पे मतलब सीनियर लोग हैं, जो सीनियर हैं बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कृपया इस चीज़ पे मतलब ध्यान दें। आपको पता है ये मेरा कंटेंट नहीं है, मतलब मैं चीज़ें ऐसी शूट नहीं करता, पर सच्ची में मुझे मतलब काफ़ी डिसअपॉइंट किया इस चीज़ ने। तो काफ़ी ब्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो गया, अब मैं आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहता। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक आप ऐसे स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा ऐसे प्यार बरसाते रहें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि अगली जो है ना अगली यूथ जो है वो और मोटिवेट हो। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।